Hello friends, myself Ashwini Kumar from Institute of Medical Sciences BHU and you are watching ACES Tutorials. तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट को और इसी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट वन को. हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट टू कंप्लीट कर लिया है अच्छे से, तो आप उसके सारे वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट GOC 2 रिएक्शन मैकेनिज्म में. चलिए शुरू करते हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट. तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए पहले अपन दो तीन लाइन आप लिख लेना, ठीक है. मैं बस एक बार इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट का, जो थ्योरेटिकल पार्ट है कि ये होता क्या है. तो पहला जिसको डिफाइन करते हैं हम लोग, इंडक्शन ऑफ पोलरिटी इन, ध्यान रखना पोलरिटी किस में आ जाए, किसी भी नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में. यदि आपने पोलरिटी इंट्रोड्यूस कर दिया किसी भी नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में, यदि आपने पोलरिटी इंट्रोड्यूस किया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी पोलर बॉन्ड, ठीक है, किसी पोलर बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण आपने किसी नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में यदि किसी तरह से भी पोलरिटी इंट्रोड्यूस कर दिया तो दैट इफेक्ट इज नोन एज आई इफेक्ट. यही बेसिक है आई इफेक्ट का, ठीक है. सो डिफाइन कैसे करते हैं, तो वही इंडक्शन ऑफ पोलरिटी इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पोलर बॉन्ड, क्लियर. चलिए और इसको मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, अभी उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है. अभी दो तीन डिफिनेशन और है तो वो मैं पूरा बता के एक बता दूंगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन. यदि हाइड्रोजन को हम ले तो हाइड्रोजन को मानते हैं कि हाइड्रोजन आई इफेक्ट शो नहीं करता, ठीक है. हाइड्रोजन का आई इफेक्ट को क्या मान लेते हैं हम, नील, दैट इज जीरो मान कर चलते हैं. बट ऑल दोज एटम्स एंड ग्रुप विच हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी मोर देन हाइड्रोजन विल शो आई इफेक्ट, ठीक है. हाइड्रोजन का हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया. और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन को मैंने मान लिया जीरो, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग और सबके अरेंजमेंट को देंगे, ठीक है. किसी को बोलेंगे माइनस आई, किसी को बोलेंगे प्लस आई, सब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे. दूसरा पॉइंट क्लियर है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ अ ग्रुप आई इफेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज योर प्लस आई ग्रुप, ओके, एंड द सेकेंड वन इज योर माइनस आई ग्रुप. एंड दिस माइनस आई ग्रुप मीन्स दीज आर द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ओके. एंड दिस प्लस आई ग्रुप मीन्स दे आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मीन्स दे विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स. एंड माइनस आई ग्रुप मीन्स दे विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन. सो इफ एनी ग्रुप इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मीन्स इट इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आएगा. इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए प्लस आई. और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर विड्रॉ कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हम लोग, माइनस आई ग्रुप. ये नाम क्लियर हुआ, प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप हमने क्यों दिया, क्योंकि इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है. चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आई इफेक्ट के थ्योरेटिकल में, कि जो आई इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे एसएसएनजीएन काफी ज्यादा पूछा जाता है एम्स में. इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट फेनोमेनन. जो आपका आई इफेक्ट है ये कैसा फेनोमेनन है, डिस्टेंस डिपेंडेंट फेनोमेनन. डिस्टेंस पे ये डिपेंड करता है, ओके. कैसे, तो आप इंक्रीज करोगे डिस्टेंस को तो जो आई इफेक्ट है दैट विल डिक्रीज, क्लियर. इंक्रीज को, यदि डिस्टेंस को आप इंक्रीज करते हो तो आई इफेक्ट है वो डिक्रीज करेगा, क्लियर. और प्रैक्टिकली ये जो आई इफेक्ट है वो अप टू 3 to 4 एटम्स पर ही इफेक्ट कर पाता है. आई इफेक्ट का इफेक्ट हमको दिखता है अप टू 3 or 4 एटम्स. तो ये 3-4 पॉइंट थ्योरेटिकल. इसके अलावा जो आपका आई इफेक्ट है, इट इफेक्ट बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड्स, ये भी पूछा गया है एम्स में, ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप जानते हो कि आई इफेक्ट के कारण पोलरिटी डेवलप होता है, पोलरिटी के कारण आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होगा. केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स रिएक्शन का रेट
इफेक्ट होगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होगा, मैकेनिज्म इफेक्ट नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होता है आई इफेक्ट के कारण, क्लियर। तो ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आई इफेक्ट के कारण। चलिए आप एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये सी ये कंपाउंड है आपका, ठीक है। अब देखिए इसी, अब मैंने हाइड्रोजन सब में नहीं लगाया, सब में हाइड्रोजन होगा, इस सारे कार्बन में हाइड्रोजन मैंने नहीं लगाया। ये देखते हैं अब यहाँ पर ये कार्बन, ठीक है, एच को मैंने हटा दिया और यहाँ पर जेड ग्रुप लगाया। इस केस में भी मैंने क्या किया, एच को हटाकर एक वाई ग्रुप लगाया। यदि मान लीजिए ये जो जेड ग्रुप है, ठीक है, इसका जो ईएन है वो कार्बन से भी ज़्यादा हुआ, कार्बन से भी ईएन ज़्यादा हुआ, तो क्या करेगा ये, इस वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड होगा ये कार्बन और ये जेड, यदि जेड का ईएन ज़्यादा है, और एक और मैंने आपको इनऑर्गेनिक बताया था कि चेंज इन ईएन से आप क्या पता लगाते हो, बॉन्ड का पोलरिटी। यदि किसी भी बॉन्ड को चेक करना होता है कि पोलर है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक करते हो, चेंज इन ईएन से, यानी कि चेंज इन ईएन डिटरमाइंस द पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड। यदि आपको चेक करना होता है कि मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं है, तो उसको आप कैसे चेक करते हो, बाई डाइपोल मूवमेंट। ये मैंने दो चीज़ आपको बताया था, ठीक है। तो यदि आपको बॉन्ड का पोलरिटी चेक करना है, तो यू विल चेक थ्रू चेंज इन ईएन। तो देखिए ये कार्बन, ये जेड ग्रुप, आप देख पा रहे हो क्लियर कर कि कार्बन और जेड में ईएन डिफरेंस होगा, तो क्या होगा, ये बॉन्ड कैसे हो जाएगा, पोलर, क्लियर। और पोलर होने से क्या होगा, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो खींचेंगे जेड की तरफ, यदि जेड का ईएन ज्यादा है तो जेड पर डेल्टा नेगेटिव आएगा और इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब किसी भी एटम पर यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, किसी भी एटम पर यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसका ईएन क्या होता है, वो भी इंक्रीज करता है। सेम्प्रेरी टोल में इसको भी डिस्कस करेंगे, किसी भी एटम पर यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा, आपका ईएन भी उसका बढ़ेगा। ईएन बढ़ेगा तो ये जो कार्बन है और इस कार्बन के बीच में ईएन डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसका ईएन बढ़ गया है, इसका ईएन वही है, तो अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ खींचा चला जाएगा, ठीक है, जिसके कारण इस पर थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होगा, जिसके कारण ये जो शेयर पेयर है थोड़ा सा इधर खींच जाएगा, जिसके कारण इस पर डेल्टा 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 पॉजिटिव डेवलप होगा। उसके बाद इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा, मात्र 2 से 3 ही एटम तक इफेक्ट पड़ता है। तो देख पा रहे हो ना, एक पोलर बॉन्ड था, ठीक है, जिसके कारण नॉन पोलर जो बॉन्ड्स पहले नॉन पोलर थे, सिंपल थे ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड तो कैसे थे, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे थे, नॉन पोलर ही तो थे। तो एक पोलर बॉन्ड के कारण नॉन पोलर बॉन्ड्स में क्या हो गया, पोलरिटी इंड्यूस हो गया, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को तो इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। किसी भी नॉन पोलर बॉन्ड में किसी भी एडजेसेंट पोलर बॉन्ड के कारण यदि पोलरिटी डेवलप हो रहा है, तो दैट टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ग्रुप कैसा था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो अब देख रहे हैं इस कार्बन से उन्होंने क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यानी कि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि कैसा ग्रुप हो गया, ये माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। अब दूसरा आता है वाई, वाई एक ऐसा ग्रुप है जो कि इसका ईएन कार्बन से कम है, ईएन कार्बन से कम है, लेकिन दोनों के बीच में ईएन डिफरेंस तो है, हुआ, यदि ईएन कार्बन से कम है तो वह ईएन डिफरेंस हुआ, ईएन डिफरेंस हुआ तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर, यदि ये बॉन्ड पोलर है, मतलब वाई का ईएन कम है, तो कार्बन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, चार्ज डेल्टा निगेटिव आएगा। जैसे ही किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज बढ़ता है, ईएन क्या होगा उसका, कम, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ईएन कम, ईएन कम तो इस कार्बन का ईएन कम हो गया, तो इस कार्बन, ये कार्बन क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको थोड़ा सा अपने तरफ खींचेगा, जिसके कारण इसके ऊपर भी थोड़ा सा डेल्टा निगेटिव आएगा, जिसके कारण इसका भी ईएन थोड़ा सा कम होगा, तो इसके कारण ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी इसके तरफ खींचे चले जाएंगे, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डेल्टा निगेटिव आएगा, ठीक है। तो देखिए एक पोलर बॉन्ड के कारण क्या हो रहा है, आपके अदर नॉन पोलर बॉन्ड्स, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में कोई ईएन का डिफरेंस नहीं था पहले, लेकिन एक पोलर बॉन्ड के कारण क्या हुआ, अदर नॉन पोलर बॉन्ड्स में आपको क्या दिख रहे हैं, आपका पोलरिटी इंड्यूस होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज आई इफेक्ट। अब यहाँ वाई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, वाई पर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाई कैसा हो गया, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप, ठीक है ना। तो ये
बेसिक है आपका इंडक्टिव इफेक्ट को, यदि आप जानना चाहते हो तो ये जो मैंने बताया ये आपको बेसिक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का, बात समझ आ रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लस आई सीरीज और माइनस आई सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, यदि समझ में आया हो तो, ठीक है। चलिए।